हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार, आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया है। साथ ही में मैंने नोटिस किया है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखते हो कि भाई आप हमको अदर ऐप से कलर ग्रेडियंस करना सिखाते हो, पर हमको काइन मास्टर से कुछ एडिट करके दिखाओ कलर ग्रेडियंस वाला। तो फाइनली दोस्तों, अभी आप अपने मोबाइल के जिस वीडियो को देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो की दोस्तों अगर खासियत यह है कि देख पा रहे हो आपको यहाँ पे वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो आपको चेंज हो रहा है, साथ ही में आपको जो टी शर्ट का कलर है या फिर ड्रेस का जो कलर है वो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो आप भी अगर अपना वीडियो को इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हो। यहाँ पर इस लड़की का मैं वीडियो को एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो हरे हरे आपको पेड़ दिख रहे हैं, साथ ही में जो लड़की जो है एक कलर के ड्रेस को पहनी है। तो सेम इसी तरह से आपको एक कलर के ड्रेस पहनना है, देन आपको हरे हरे पेड़ों के सामने आपको एक वीडियो शूट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों, वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कब करोगे। वीडियो के भावनाओं में आप खो जाओगे मुझे पता है, और लाइक करना आप भूल जाओगे। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरे स्मार्टफोन का काइन मास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार के एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों, जिस भी एक्सपेक्ट रेशियो में आप वीडियो बनाना चाहते हो उस वाले एक्सपेक्ट रेशियो का आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैं दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको मैं 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इस वाले एक्सपेक्ट रेशियो को सिलेक्ट किया है, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में आपको अपना गैलरी यहाँ पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है, यानी जो वीडियो आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो यानी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं साथियों, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक लड़की के वीडियो को सिलेक्ट किया हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम यहाँ पर म्यूट कर लेता हूँ, ताकि मेरा यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग खराब ना हो। अभी आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आना होगा। आने के बाद दोस्तों, जो आपको राइट में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है। देन दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार के इफेक्ट सब आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस, सबसे पहले इसका जो स्टोर है, स्टोर में आपको यहाँ पे चले जाना होगा। अभी गाइस, आपका जो फोन का इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे एक दो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको दोस्तों इस वाले कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलर चेंजर बोल के आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा। आपको दोस्तों इस वाले इफेक्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको आप पहले ही इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पर लिस्ट में शो हो रहा है। देख सकते हैं, ये रहा कलर चेंजर। अभी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आएगा। तो यार, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना होगा। देख पा रहे, जो इफेक्ट यहाँ पर आपके वीडियो के ऊपर में आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर कोना में पकड़ के कुछ इस प्रकार से आप अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में आप यहाँ पर कर लीजिएगा। करने के बाद साथ में इसका आपको ड्यूरेशन को आपको यहाँ पर लास्ट तक आप कर लीजिएगा। करने के बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना होगा। करने के बाद अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन अभी आपको जो फर्स्ट ऑप्शन कलर का दिख रहा होगा, आपको इस वाले कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन अभी आपका जो बैकग्राउंड का कलर है उसको आपको यहाँ पर सेट करना है। इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कुछ इस प्रकार से कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों, आप देख पा रहे हो कलर ऑफसेट, तो आपको कैसे इसको पहले एडजस्ट करना होगा। मैं अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा। मैं अपने वीडियो के हिसाब से कम इसको मैं 90 में रख देता हूँ, कुछ मैं यहाँ पर 90 रखूँगा। अभी आप नीचे में देख पा रहे, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर गाइस घटाना होगा या फिर बढ़ाना होगा। देख पा रहे, यहाँ पे ड्रेस चेंज हो रहा है, मेरे बैकग्राउंड चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको घटा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे घटा रहा हूँ, देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड का कलर है आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। पहले गाइस, बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिख रहा था, अभी आपको यहाँ पे रेडिश दिख रहा है। देख पा, रेड रेड आपको दिख रहा होगा। अभी आपको इसमें थोड़ा लाइट डालने के लिए आप नीचे में सैचुरेशन देख सकते हैं, आपको सैचुरेशन का हल्का सा इंक्रीज कर दीजिएगा। जैसे आप इसको इंक्रीज करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके वीडियो में चमक आ जाएगा। देख पा रहे, यहाँ पे चमक आ चुका है। अभी गाइस, अपना वीडियो को मैं प्ले करूंगा तो देख पा रहे सिर्फ बैकग्राउंड अभी यहाँ पर कुछ कलर चेंज हुआ है। अभी आपको जो ड्रेस कलर है इसको अभी आपको चेंज करना होगा। उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप दोबारा से कलर चेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन इसको सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से पहले आप इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। करने के बाद साथियों, इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर लास्ट तक आप कर लीजिएगा।
कुछ इस तरह से करने के बाद आप शुरुआत का कुछ इतना आप यहाँ पे आइएगा इतना में। आने के बाद अभी आपको जो कैंची का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो ट्रिम एंड स्पीड का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड को सेट करके आप लेफ्ट साइड का थोड़ा पार्ट को आप यहाँ से हटा लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल है वही आपको दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाइएगा। अभी दोस्तों आपको जो कलर है देख पा रहे यहाँ पे जो ड्रेस का कलर है ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आपको ग्रीन सेलेक्ट करना है, मतलब मैं यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जरूरी आपको ये नहीं है, ठीक है। आपका जो भी ड्रेस का कलर होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। देन आप यहाँ पर ओके कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों इसको आप अपने वीडियो के हिसाब से कुछ इस प्रकार से मैं इसको इतना इंक्रीज करूंगा, आप अपने वीडियो के हिसाब से इंक्रीज कीजिएगा। अभी आपको यहाँ पर लास्ट में कुछ इस प्रकार से जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे इसको जैसे ही मैंने घटाया कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो ड्रेस का कलर है वो आपको चेंज हो गया है। अभी इसको गाइस हल्का सा आप घटा बढ़ा के देख पा रहे बॉडी के ऊपर ये जो कलर है आ जा रहा है, तो इसको अपने वीडियो के हिसाब से इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, जस्ट इतना में आप यहाँ पर आइएगा। आने के बाद फाइल पे अभी क्लिक करना होगा। देन ट्रिम एंड स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप स्पीड हेड प्लेहेड को सेट करके वीडियो को डिवाइड कर दीजिएगा। करने के बाद साथियों अभी आपको इस वाले फाइल पे क्लिक करना है। देन सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आप थोड़ा सा इसको इस साइड में लाइएगा। जैसे आप लाते हो देख पा रहे यहाँ पर जो ड्रेस का कलर है वापस से चेंज हो गया है, तो मैं इसको इतना रखूंगा। देन कुछ इसको इतना आप ड्यूरेशन रख के वापस इसको आपको यहाँ पर ट्रिम कर देना है। तो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पहले आप इसको डिवाइड कीजिएगा। देन इसको गाइस ह्यूज को आपको यहाँ पे हल्का हल्का आपको घिसकाते रहना होगा। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेटिंग है मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चेंज कर लिया है। अभी अगर दोस्तों मैं अपने वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, साथ ही में जो कपड़े का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन अपना पसंदीदा रेजोल्यूशन में दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ चुका है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो यार लाइक नहीं किया ना तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।